नमस्कार साथियों, आज हम आपके समक्ष कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो परिभाषाओं में आप देखिए, सबसे पहली परिभाषा है अलंकार। अलंकार की परिभाषा हम आपको बताएंगे। ठीक है, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप रैदास। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सभी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए मित्रों, सब्सक्राइब करने में फायदा आप ही का है, क्योंकि इसमें आपको ही, ये जो थ्योरी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आप ही के लिए है, तो इससे वंचित ना रह जाएं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज हम बताने जा रहे हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा देखिए, स्वर और वर्णों की वह नियमित रचना जो संगीत की शोभा बढ़ाए, यानी जो श्रोताओं के मनों को रंजित करे, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार को पलटा भी कहते हैं, क्योंकि स्वरों की उलट पुलट रचना है। यदि आप और अच्छी तरह से बताना चाहते हैं अलंकार को, तो स्वरों की उलट पुलट रचना को अलंकार कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें स्वरों को किसी भी तरह से पलटे के रूप में बनाया गया है। इससे संगीतकार को, मतलब संगीत के विद्यार्थियों को संगीत सीखने में बहुत आसानी हो सके। अलंकार जो होते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा होती है कलाकार की, और उसके बाद में और कुछ होता है। फिर अलंकार जिस प्रकार एक स्त्री का आभूषण सोना होता है, उसी तरह अलंकार का अर्थ ही आभूषण कहलाता है। संगीत का यह भी एक आभूषण है, यह संगीत को सजाए रखता है। तो यह रहा अलंकार। फिर आता है आरोह अवरोह, स्वरों के चढ़ते क्रम और उतरते क्रम को आरोह और अवरोह कहते हैं। स्वरों के चढ़ता क्रम जो होता है वो आरोह होता है, और स्वरों का उतरता क्रम अवरोह होता है। ठीक है मित्रों, फिर अब आता है आरोह अवरोह के बाद आवाता है पकड़। पकड़ जो राग को पकड़ की परिभाषा है, स्वरों का वह समूह जिससे राग की पहचान होती है उसे पकड़ कहते हैं, वादी स्वर। जो स्वर राग में बार बार प्रयोग किया जाता है
उसे वादी स्वर कहते हैं, समवादी स्वर। जो राग, जो स्वर राग में वादी स्वर से कम प्रयोग किया जाता है उसे समवादी स्वर कहते हैं। अनुवादी स्वर राग में लगने वाले अन्य स्वर अनुवादी स्वर कहलाते हैं। वादी स्वर को राजा की उपाधि दी गई, संवादी स्वर को मंत्री की उपाधि दी गई और अनुवादी स्वर को सिपाहियों की उपाधि दी गई है। विवादी, जो स्वर राग में विवाद उत्पन्न करे उसे विवादी स्वर कहते हैं। पूर्व राग, जो राग दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक गाया जाता है जिसका वादी स्वर सारे गामा स्वर से होता है और उत्तर स्वर उत्तर स्वर उत्तर उत्तर राग पूर्व राग था ये उत्तर राग जो राग रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाया जाता है उसे उत्तर राग कहते हैं। अगला जो होता है मीड, मीड जो होता है मीड होता है स्वर के उस ठहराव को कहते हैं जो कुछ स्वरों को घिसते हुए अपने स्वर पर आना उसे मीड स्वर कहते हैं। कर्ण स्वर, एक स्वर से दूसरे स्वर को छूते हुए स्पर्श मात्र करने को कण कहते हैं। एक स्वर से दूसरे स्वर को स्पर्श मात्र करने को कण कहते हैं। आगे गमक, गमक की परिभाषा हम बताने जा रहे हैं। गमक किसे कहते हैं? स्वरस्य कंपो गमकः श्रुत चित सुखावा, अर्थात स्वरों के गंभीरता पूर्वक उच्चारण करने को गमक कहते हैं जिससे श्रोताओं को सुख आनंद की सुख और आनंद की पूर्ति हो, मतलब सुख पहुंचे। गमक को बहुत गमक से जो है संगीत में गंभीरता आती है गायन में। गमक के 15 प्रकार बताए गए हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहली कंपित, नंबर 2 आंदोलित, नंबर 3 स्फुरित, नंबर 5 तिरित, नंबर 6 त्रिभिन्न, नंबर 7 बली, नंबर 8 लीन, नंबर 9 कला, नंबर 10 जाति, नंबर 11 लय,
तेरवा नाम उल्लासित, चौदह नामित और पंद्रह मिश्रित। तो यह गमक के प्रकार हैं। फिर आपका आता है जाति, स्वरों का वो समूह जो राग की राग में लगने वाले स्वर राग में लगने वाले स्वरों के हिसाब से राग की जाति बनाई जाती है। जैसे सात स्वर आरोह अवरोह में अगर लगे तो उसे संपूर्ण संपूर्ण जाति कहते हैं। जातियां तीन होती हैं, आड़व साड़व संपूर्ण, और इससे नौ प्रजातियां बनती हैं। संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण साड़व, संपूर्ण आड़व, फिर साड़व संपूर्ण, साड़व साड़व, साड़व आड़व, आड़व संपूर्ण, आड़व साड़व और आड़व आड़व। तो ये कुछ परिभाषाएं थी, और आगे भी जो परिभाषाएं आएंगी छोटी छोटी वो हम आपको बताते जाएंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके भेजें। यदि गुरुजन देख रहे हैं इस वीडियो को तो यह इस वीडियो में अगर कहीं कुछ त्रुटियां हुई हों तो हमें अवश्य बताएं। सभी साथी वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।